मिर्चाई क्यों? क्योंकि भगवान की बंसी बजी ना, तेज करो ये थोड़ी सी। और जब भगवान की बंसी बजी तो गोखों साग पतीखों भूसा, अपने पति को भूसा परोस दिया और गैया को साग परोस करके आ गए, उल्टे श्रृंगार किए और भगवान की बंसी सुन करके यमुना के किनारे पहुंच गई। और जैसी यमुना के किनारे पहुंची, भगवान कह रहे हैं देखो गोपियों लौट जाओ, इतनी रात्रि में तुम हमारे पास नहीं होना चाहिए, तुम तो अपने पति के पास में रहो। नारियों का कर्तव्य है, नारी का धर्म है, एक ही धर्म, एक व्रत ने मां काय वचन मन पति पद प्रेमा। नारियों का धर्म है एक ही धर्म, एक व्रत ने मां, नारियों का धर्म है एक संकल्प लेकर के एक व्रत करना चाहिए, एक नियम धारण करना चाहिए, काया से मन से वचन से अपने पति की सेवा करना चाहिए, पराय पुरुष को नहीं देखना चाहिए। कहते हैं पति कैसा भी हो, अगर हमारे माँ और बाप ने अगर विवाह कर दिया है तो उसी को परमात्मा मानना चाहिए। लौट जाओ गोपियों। सुखदेव बाबा कहते परीक्षित भगवान ने खूब समझाया लेकिन गोपियां लौटी नहीं। जब गोपियां नहीं लौटी तो भगवान ने सोचा इनके साथ में हमें रास करना है। भगवान रास करने के लिए गोपियों का मन ले रहे हैं तो सारी गोपियों को भगवान ने एकत्रित किया और एकत्रित करके भगवान ने एक समूह बना लिया। और समूह बना करके भगवान कह रहे हैं आओ गोपियों हम तुम्हारे साथ रास करेंगे। तो सबरी गोपियों को बुला करके भगवान अंगना मंगना मंतरा माधवम माधवम चांतरे चांगना इतिमा कल्पते मंडले मद्दगा संजगो वेणुना देवकी नंदना। कहते हैं अंगना मंगना मंतरा माधवा माधवम माधवम चांतरे चांगना, एक एक गोपी एक एक कृष्ण, एक एक गोपी एक एक कृष्ण। जब सामूहिक मंडल बना तो सारी गोपी भगवान के साथ में रास रचाने लगी। रास रचाते गोपियों को मन में अभिमान आ गया, देखो तो भैया जगत का परब्रह्म परमात्मा आज हमारे सामने खेल रहा है, रहस को रचा रहा है। जैसी गोपियों के मन में अभिमान आया, सुखदेव बाबा कहते परीक्षित भगवान गोपियों को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। अंतर हते भगवती सहसई ब्रजांगना, सारी ब्रजवासियों के सामने से भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। राधा रानी को साथ में लिया, राधा रानी को लेकर के भगवान जैसे ही पहुंचे राधा रानी को बीच में अभिमान आ गया। कृष्ण बड़ी दूर से चल करके आ रहे हैं, क्यों ना तुम अपने कंधे पे बिठा लो हमें। भगवान नीचे झुक गए और झुक करके कंधा कर दिया, जैसे ही कंधा किया सुखदेव बाबा कहते भगवान भी वहां से अंतर ध्यान हो गए राधा रानी को छोड़ करके। और जैसे भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हुए सारी गोपियां भगवान को ढूंढने लगी। राधा रानी बेहोश पड़ी हैं, गोपियां आई राधे क्या हो गया तुझे,
क्या बताऊं, उस कन्हैया के साथ में लीला कर रहे थे, लीला करते करते ना जाने वो कन्हैया कहां छोड़ करके चला गया। एक गोपी कह रही है ऐसा तो मेरे साथ हुआ, मेरे साथ में अभी अभी लीला कर रहा था, ना जाने वो कहां चला गया। एक एक गोपी एक एक गोपी से पूछ रही है बताओ कन्हैया कहां चला गया। हमारे एक ब्रज में बहुत बड़े संत हुए हैं पूज्य डोंगरी जी महाराज, उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है भगवान कहीं गए नहीं थे। सज्जनों भगवान उड़ते हैं पीतांबर, राधा रानी उड़ती हैं नीलांबर, गोपियों को आया अभिमान सो भगवान राधा रानी का नीलांबर उड़ करके राधा रानी बन गए, भगवान गोपियों का मान दूर करने लगे। सारी गोपियां एकत्रित होकर के भगवान को पुकार रही हैं, लताओं से पूछ रही हैं, वृक्षों से पूछ रही हैं। सुखदेव बाबा कहते परीक्षित यहां तक राधा रानी पत्तों से भी पूछ रही हैं।